जी सुबह शाम फोन में क्या लगे हुए रहते जी तुम आखिर। ए देख रे बाबा, अब इस वक्त मेरे को बोर मार रहा। हाँ। क्या करूं मैं? अब मेरे को खुजा लेंगे बोले तो भी दिल नहीं बोल रहा खुजाने के वास्ते। कई कुर्ती भी फुर्सत नहीं है फोन से। फुर्सत फुर्सत फुर्सत, एक बार फोन में घुस गए तो बाहर निकलना दिल नहीं बोलता रे दीवाने। तू देखा आज? देख आज की ताजा खबर क्या है पूछ। क्या है? टमाटे 100 रुपए किलो हो गए। हाँ। प्याज देखो सो 100 रुपए को 1.5 किलो हो गई। हाँ। इतनी महंगाई है। हाँ। अब ये टेंशन लूं या खुजा लेते बैठूं? क्या महंगा है अब टमाटे? हाँ, इसके वास्ते सोचते बैठी हुई हूँ। सोच रही हूँ मई देखो सो 1 किलो इमली मंगा के घर में फेंक देंगे। सोच रही हूँ देख। इमली क्या करना? खट्टा मत ना खाना, बना लेना खा लेना। और सुन, 3 महीने से राशन की दुकान से राशन कार्ड से अपन चावल नहीं ले ले को आए। हाँ। अब की बार ले ले को आना। वो भी मैं उठा के लाना? तू ले ले। हाँ। मैं उठा के ला लेती हूँ। अच्छी बात है। सुना ना, खाली लाइन में जाके ठहर। एडवांस बात नहीं करना दुकान वाले से। परसों दुकान वाला पुकार ले रहा था, तू बहुत एडवांस बात कर रहा बोल के। बोला मैं उसमें से 5 किलो चावल मान लो बोला अलग। देख मार ले, मराने के बात नको कर तू। पैसे दे चावल ले। कैसा रे? 2 रुपए किलो है ना आंटी चावल? 10 रुपए किलो? 2 रुपए किलो जी राशन कार्ड के चावल। हाँ 10 रुपए किलो दे रे। राशन चपड़ 15 रुपए किलो इस्तुंडा। अम्मा 10 रुपए किलो कर दिया इन्हें, मैं 2 रुपए किलो में चटकी भी हूँ अभी। वही जमाने में है तुम अभी तक? हाँ। कब आते 2024 में तुम? मैं आ गई थी मगर मेरा सिस्टम अपडेट कर दिया मेरे को, फिर मैं अपडेट हो गई। फिर अपडेट करना पड़ता तुम्हारे ना को कर। 10 रुपए किलो का तेल जा, 200 रुपए देती हूँ। 200 रुपए कितने किलो दे रहे? 20 किलो आते। 20 किलो चावल ले क्या? तेरे को मेरे को बहुत हो गया। अपन बच्चे 2 जान, ये 3 कुत्तों के बच्चे, 2 धोनी वाले डाले तो खा लेते। हाँ। सुना ना, चल उठ। राशन कार्ड वाले को अरे राशन वाले को फोन करना रे, राशन की दुकान वाले को। हाँ। चावल आटा तेल मिर्ची नमक अदरक लहसुन भी दे रहा है ने? नहीं देता, होता नहीं। क्यों देता? क्या किराना स्टोर है क्या उसकी? ओ शिट, पहले से में अदरक लहसुन भी ऐड करो बोलना रे, महंगा हो गया। अजी अदरक लहसुन सस्ता ही छे। कहां सस्ता है रे, 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो? हाँ। अम्मा दवाई उनको लगाएंगे, उसको लगाएंगे पैसे तुम अब। या अल्लाह मेरी एज परेशानी है, मुंह को बंद करे तो देखो सो खर्चों की परेशानी है, खर्चों को बंद करे तो मुंह की परेशानी है। रे बाबा घर के खर्चे कितने महंगे हो गए मालूम तेरे को? हाँ। डेली 200 रुपए की दूध की पैकेट हो रही। हाँ। फिर उस पर से शक्कर हो रही 50 रुपए की। शक्कर मैं कहाँ खाती हूँ? काफी में डालते ना। शुगर फ्री? शुगर फ्री। 300 रुपए का डब्बा रहता मेरा वो। आई एम वेरी एक्सपेंसिव लेडी रे, आई एम वेरी एक्सपेंसिव लेडी। अजी कहाँ सीख गई इंग्लिश? है मैं कॉलेज को जाके ही सुन। कौन सा कॉलेज? तेरे को नहीं मालूम, निजाम के कॉलेज से पढ़ी सो मैं। निजाम भी तुम्हारी क्लास में थे क्या? नहीं, हमारे दादा बा की क्लास में थे। पुराने जमाने के बात कर रहे नो। जान दे, बहुत हुआ मजाक बना। चल अपन अब दूसरी कोई एक्टिविटी करेंगे। मेरी हालत बेहालत हो जा रही आंटी, तू कपड़े रोजाना सर्फ 2-2 चमचे मशीन में नको डाला कर। आधा चमचा डालना, कपड़े पूरे धोके निकाल देना। बटन चला गया है तो तक व्यवस्था सर को तो कपड़े साफ कैसा होते? अरे ये बात भी सही है आंटी। हाँ। सही बोली, कपड़े साफ रहे तो मैं तेरे पे चिल्लाती हूँ। अरे इधर तुन, ये आंटी देख रहे गले में कितना सोना पहन के, कान में भी सोना नाक में भी सोना, मेरे को देख रहे गले में रत्ती बराबर भी नहीं है। हाँ। पैसे वाली फिल्म खतूने छे उन्हें छे। हाँ। अब अपन नको रे, बिचारी गरीब है। हाँ, गरीब है। अमीर है ना, या सोना, जाति घरा है दो। और देखो बेटे मस्त कमाते, आंटी मेरे पास 5 से 10 साल से काम कर रही, पूरा घर उसके हाथ में है। ऐसा दिख रहा है एक दिन में मरने के बाद ये घर भी उसके नाम पे हो जाता। जा आंटी कपड़े रख ले के आ जा। अरे इन्हें घर अपने पास काम कर रही, अपन इसके पास काम कर रहे रे। क्या है कि वो दिख रहा मेरे को, इन्हें से टानी अपन नौकर दिख रहा है। अरे कितना सोना पहन लेके आना जरूरी है रे काम पे। हाँ फिर वो मटक मटक के चले थे, मजा आता काम वाले। नहीं रे उसके पास घर में नई टीवी है, इससे बड़ी। हाँ अपन इस गरीब है, इससे बड़ा फ्रिज है। अपना फ्रिज तो भी पुराना हो गया, 25 साल पुराना। हाँ। उसमें 50 छेद हो गए, प्लास्टर लपट के। गाइस दिखाती हूँ, नको रे इज्जत जाती। नहीं दिखा देंगे, इज्जत जाती, नको रे नको। उसके घर में वॉशिंग मशीन भी है। कितनी बड़ी?
बड़ी अटकमेटिक। हाँ, वो हाथ डाल के निकालती शॉप पड़े। यस, उन्हें अपने पास काम कर रही है, अपन उसके पास काम कर रही है, समझ में नहीं आया आज तक। वो समझ नहीं आ रहा। देख आलसीपने में कितना नुकसान है, देखा अपना बहुत नुकसान है। अपन देखो सो काम चोरा हो गए, इलगा मेहनती हो गए, अपन पैसा खर्चा कर ले तो इलगा को मेहनत बे मालूम। इलगा 6 बजे उठते तुम 12 बजे उठते बोल के आई दिए। नहीं घड़ी करने के है, अब उसको सब ज्यादा लगाती धो बोले तो आंटी झटक के घड़ी कर दे। धोने डालो बोल के नहीं बोलना, अब धोने डालो बोल तो दो चमचे सर्फ बर्बाद हो जाता, फिर देखो सो 4-5 बकेट पानी बर्बाद हो जाता, सर्फ साबुन बर्बाद हो जाता, करंट का बिल मेरा लॉस हो रहा, मेरा लॉस हो रहा, दुनिया को मालूम नहीं हो रहा, अपना खुद का लॉस हो रहा। लोग सोच रहे वी आर सेटल, घर के काम को काम वाली है, इसको काम वाली है, उसको काम वाली है, लेकिन नुकसान अपना हो रहा है। गिडतुन नुकसान नहीं जी, कंजूस चाले कर रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे तुम। कंजूस चाले मैं नहीं कर रही, मैं बोलता हूँ सुन, मैं बोलती हूँ। कभी 6 बजे उठ के आ रहे, अपन 12 बजे तक सोए तो क्या कमाते। हाँ वो बात भी सही बोला रे, 12 बजे को उठना हो गया, देखो दिन भर आड़े पढ़ना हो गया, इन लोगों की एक्टिविटी अच्छी है रे गेटर तो। फिर अपन भी सुबह 6 बजे उठेंगे, हाथ थैली में बर्तन डालेंगे, टिफिन का डब्बा डालेंगे, रोटी रोटी डालेंगे, जाके चौरस्ते पे ठहर जाएंगे खत्म। चौरस पर ठहर तो क्या होता रे, मिस्त्री का काम मिलता, शेडिंग बनाने का बेबरे पैसे आते, 1000 रुपए आते डेली के। शेड मैं नहीं कर सकती ना रे, वही तो आलसी है तुम्हारे में, मेरे घुटनों में दर्द है रे, वो 1000 रुपए को देगी तो 6000 रुपए डालना पड़ता मेरे को दवाखाने को। अजी 6 दिन काम पे चले गए तो आ जाते जी पैसे। सही बोला रे। गाइस कल से हम लगा अड्डे पे जाके ठहरने वाले है, 1000 रुपए आते कहते मिस्त्री के काम को। चला दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। कितना केयरफुल है रे मेरे को लेके, वेरी गुड बाय, वेरी गुड बाय, मेरा हमेशा ख्याल रखना। देख सुना ना, सही बोला ये गिर जाती। अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो मैं गिर जाती थी। गिर के जरा इमेजिन करो कहाँ रहते थे। इमेजिन कर रही हूँ, मैं दवाखाने में एडमिट हूँ, मेरा पैर एक ऊपर पड़ा हुआ है, मेरे को नर्सा देखो सो पाइप से पानी पिला रहे, जूसा पिला रहे। अम्मा नको बाहर निकलने के बाद 15-20 हज़ार बिल बन रहे होते, नको पैखाने के बाहर मैट डालो बोल, मैं आराम से आती हूँ। चल आओ गाइस दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आजी लोग जवानी से बुढ़ापे में जाते हैं। हाँ। पर मेरे को ये उल्टा सिस्टम दिख रहा। कहे का? तुम बुढ़ापे से जवानी में गई हुआ है? अरे दीवाने तेरे को क्या बोलूं, मोहब्बत का नाम, मोहब्बत का नाम सुना कभी तू? हाँ। वो मेरे को हो गई। किससे जी? वो दूर की खिड़की दिख रही। हाँ। वो दूर की खिड़की का फ्लैट का जो पोट्टा दिख रहा। हाँ। वो पोट्टे का बाप है नहीं। हाँ। उन्हें मेरा पुराना दोस्त है। दोस्त है? हाँ। तू क्या समझा? दीवाने कहीं के कि तू अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है। और बात रही मेरे बुढ़ापे की, लोग बुढ़ापे से जवानी में जाते, से बुढ़ापे में जाते। हाँ। और बुढ़ापे से कब्रिस्तान को चले जाते। मेरा सिस्टम ही अलग है। कई को बोले तो मैं जैसा रहती हूँ, मेरा स्टाइल लाइफ स्टाइल जैसा है वैसा किसका भी नहीं है रे दीवाने। हाँ, कई को बोले तो तुम कुत्ते चित्ते वीआईपी पालते, उन लोगों को डेली चिकन खिलाते, मटन बिरयानी जो बोले वो खिलाते, जब उन लोगों का भाली महीने का खर्चा 1-2 लाख रुपए लोगों का। हे ज्यादा बोल दिया, ऑडियंस अपने को कमेंट में बोलती है ओवर बोल दिए बोल के। हाँ 20,000, बस 20,000 मेरा खर्चा रहता। रहता 140, 1,40,000। अरे उनकी घर खाली कर रहे नीचे। सामान उठाने जाएंगे क्या अपन भी? नहीं, अपन रिच पीपल है, रिच पीपल के जैसा मेंटेन करना। रिच पीपल का खर्चा कितना रहता मालूम ना तेरे को? जान दे मेरी लव स्टोरी बोलते बोलते रुक गई मैं। अरे इन्हें कपड़े यहाँ कहीं को सूखने डालती रे, बात करेगी? जान दे जी बोला। अंदर रस्सी बनी हुई है उस पर डालना छोड़ के यहाँ पे डाल के रेपुटेशन खराब कर रही। वो सामने वाली बात करेगी बोलती ने पुराने चदरा यूज करती बोल के। यहाँ धूप अच्छी आती बोल के डालेंगी। हाँ रे विटामिन सी लेना आँखों को, बॉडी को, स्किन को अच्छी बात है। तुम कुछ बोलते बोलते रुक गए सर का दिख रहा मेरे। मेरी प्रेम कहानी उन्हें आता बोल के मैं देख क्या डाल के रखी सर में। क्या डाले? अम्मा पॉनिटर दो चोटियाँ, दो चोटियाँ वाली देखी साली डिम्बिक डिम्बिक उन्हें भी वही बोलता था।
इसके वजह से आप दूसरी बुढ़ी के साथ जिंदगी बिता रहा। अगर उन्हें वैसा नहीं बोलता था ना, दो चोटियां वाली मेथर की साली, कुत्ते की साली, उसकी साली बोल के, तो मैं इसकी डार्लिंग रहती थी। खैर जान दे, इसकी टॉपिक छोड़, चल अंदर जाएंगे। अब तक बाहर नहीं निकला, देख दलिंदर कितनी देर बोल के ठहरू, धूप में ठहर के टाइम भर जा रहा। अच्छा झटक, अच्छा झटक, दबा के झटक। आजी अच्छा कर रहे से काम ले रहे सो। ये लंबू कब काम में आएगा? हाँ, फिर कब काम आता? हाँ। उस दिन ही आया था। आप मेरे से फंका झटवा रहे पूरा, ये अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। चुप, ज्यादा आवाज करा तो कमरे में डाल के बन के बेट लेके मारती हूँ, सुना ना? माँ बंद ही करते है। हाँ, ये कालेनी में फेमस हूँ मैं, किराक बूटी बोल के। इसलिए इनके घर को कोई नहीं आता। अगली बार नहीं आता हमारे घर को? नहीं आता हूँ, पंखा छटवा रहे मेरे से। और कुछ भी काम है बोलो, करता हूँ। ये पंखा उनका क्या है? मैं तेरे को 30 रुपए देती बोली ना? 30 रुपए देते? हाँ। 40 कर लो ना जी। जान दे, 40 करा लेंगे। 40 जगह दो पंखे साफ कर, पैखाना भी धोके जा। और लगते पूरे। अरे चुप कर, तेरा सेट डिलीवरी करे तो क्या देता रे चार्ज तेरे को पैसे बोल के? एक डिलीवरी के पीछे 50 रुपए मिलते मेरे को। एक डिलीवरी के पीछे 50 रुपए मिलते? आए खाली जाके गोश्त दे दे क्या ना रहता? हमारा शेफ पहले ही बोला था किराक बुड्ढी घर जा रहे तुम देख के। तो तेरे को बेल मारो कौन बोला? गोश्त की पैकेट बाहर रख के जाना था ना, मेरे घर में छोटे छोटे शेरा है बोल के नहीं मालूम तेरे को? नहीं मालूम था, आज मालूम हुआ, पहली बार आया मैं। अरे अच्छा करा मेरे घर को आया। मैं तेरे को 50 नहीं 200 रुपए देती रे दीवाने, तू मेरी कदर कर ले। दिमाग खराब? कितना सवाब का काम कर रहा मालूम तेरे को? तू किरा खाला के घर की पंखे झटक रहा रे, पंखे। मेरे घर का काम करने कैसे लोग तड़पते? मछली तड़पते सकता? मेरा फैन है कते? सच्ची में तू मेरे फैन से ही फैन साफ करवा रहे? गाइस फैन से ही मैं फैन साफ कराने लगा रही हूँ मालूम है? फैन तो फैन हवा नहीं देता, वो फैन तो भी देता हवा, इतने देर से साफ करा रहे। पूरा नीट झटक, पूरा साफ कर, फिर नीचे आ। मैं तेरे को क्या देती मालूम है? हाँ। देख पान मार दियो, पान मार, पान मार। इन्हें इतने कैसे? एक कैसे खाली में? मेरा वीक पॉइंट पकड़ के सब वीक पॉइंट पे मार रहे मेरे। इतने जैसे सुना मैं इकड़ पनी एक किराक बुड्ढी था किरा। नहीं नहीं मो इच्छिना इनको इच्छिना गोश इच्छिना इनको इच्छिना ये तो फैन क्लीन चेपिस्तुंदी किराक बुड्ढी ఎన్న రోజులు 10 సంవత్సరం నుంచి చేస్తున్నావా ఇక్కడనే? ఓఫో ఏమైనా పింఛన్ వస్తుందా? పింఛన్ రేపా? ఈరోజు నేను మాట్లాడతా గోజనే ఆయాదా మే పంకా షాప్ కరారి ఆజ్కే బాద్ నీ ఆతా మేరే షేట్ కో బోల్ దేతా హూ ఏ కిరాక బుడ్డి కా రహా తో ఏ నక్కో భేజో మేరే కో యహా యహా ఫ్యాన్ సాఫ్ కరా రహే క్యా క్యా కీ సాఫ్ కరా రహే ఆప్ अब आगे क्या काम देती की बुड्ढी? ला ला ला। अजी, हां मेरे को अब मालूम हो रहा तुम्हारे घर में खुफिया घर भी है बोल के। वो कैसा? अजी इतने दिन से कहा था इतना बड़ा घर तुम्हारे कने? नॉनसेंस, मेरे घर के 3 बेडरूम है ये तेरे को मालूम है? हाँ। 2 सीनों में दिखते, बाकी के सीनों में नहीं दिखते। हाँ। मालूम है तेरे को? और वैसे भी तेरे को खुफिया जगहों के वास्ते कई कुरे मुंडाओ। ओह माय गॉड, पूरा स्प्रेड करके रखा हुआ देख मेरा सामान मेकअप का। तेरे को मालूम मेरे घर में 2 ड्रेसिंग टेबल है ना? इधर का एक, इधर का एक, इधर का एक। उससे अपन ये पंखा भी साफ कराएंगे देख। हाँ बोलेंगे क्या? तू घर को ताला डाला? हाँ डाला। अच्छा करा, इन्हें बाहर नहीं निकलना जब तक मेरे घर की धूल मट्टी नहीं झटक के नहीं साफ करके जाता, जब तक मैं इसको घर से बाहर जाने नहीं देती हूँ। गाइस मैं 2 चोटियों में कैसी दिख रही हूँ बोलो? अच्छी दिख रही हूँ? नहीं जबरदस्त दिख रही हूँ? नहीं मैं अच्छी दिखती हूँ, ब्यूटीफुल दिखती हूँ। गाइस इतना मेकअप का सामान पड़ा हुआ है मगर मैं नहीं लगा सकती हूँ। कई को बोल दो तुम लगा, मेरे को लगाने नहीं देते। मैं तैयार हुई तो तुम लगा कौन है बोल के पूछते? मैं ऐसी बिसान दी किराखाला तुम लोगों को पसंद है बोल के मेरे को मालूम है। वीडियो कैसी दिखी? अच्छी दिखी, जबरदस्त दिखी। ये बेडरूम है मेरा, अच्छा है नहीं, मस्त है नहीं, जबरदस्त है नहीं? तुम लोगों को एक मस्त जबरदस्त सरप्राइज देने वाली हूँ। पूछो क्या? जोर का झटका धीरे से लगे, इधर आ रे ऑडियंस को बोल। क्या बोल के? जोर का झटका, जोर का झटका, हाय लगा दबा के नहीं। अच्छा देख सब्सक्राइब।
जोर का झटका है धीरे से लगा 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 लगा। चल घर साफ करेंगे। अरे बहुत काम चोर हो गए रे अपन, जब से टाइल रे एक काम करने का नाम नहीं है। देख अपना बॉटल पड़े हुए, वो बेचारी काम वाली पूरा डस्टिंग कर रही। गाइस सच्ची बोल रही हूँ, मैं एक काम नहीं करती हूँ घर का, ना झाड़ू ना बर्तन ना पोछा ना कपड़ा, कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता। लेकिन जो मैं काम करती हूँ, तुम लोग हंसाने का रोडों पे बाहर इधर उधर, बस मेहनत का काम है कि नहीं। कल रात में मेरे को खाना बनाओ बोले भैया, इधर चावल चूल्हे पे चढ़ाई, कितनी देर में पकता भूली जी, रख के भूल के बढ़ गई। ये 3 साल में दुनिया पूरी बदल गई, बोलते मैं भी बदल गई। तो जवान हुए सर के, देख रहे पूरा पूरा बच्चे भी जवान हो जाते, पूरा बुढ़ी ऐसी जाती का। हाँ फिर क्या तो खिला रहे थे घर में, कुछ है क्या ऐसा? कुछ भी नहीं है हमारे घर में भाई, तो हमारे को भी दो ना, हमें हम भी खिला रहे। तीन टाइम चिकन खाती बुढ़ी। हां तीन टाइम। हां फिर वैसा ऐसा वैसा भी नहीं। हां तलेवा। हां सुबह उठते 6 बजे। हां गरम गरम नहारी पाए। हां पा के सोते सुबह सुबह। और फिर दोपहर का भी सुन, तो और कोई डिलीवरी बॉय आता है क्या देने के वास्ते उसको भी? हाँ अरे सुबह का डिलीवरी आता है, दोपहर का तू छे। दोपहर का हूँ मैं। और फिर दोपहर में कलेजी कमजाने। हाँ धब्बा के खाते। धब्बा के? धब्बा के। और कुछ भी रहता है क्या मामा? फिर 4 बजे भी खाते। 4 बजे भी है? हाँ फिर क्या पेट है क्या है बाप? अरे वो हॉल है बाप को नहीं मालूम। हाँ खा तो ऐसे रहते थे तुम, क्या है ये हाथी पे पैर रखे तो हाथी परेशान हो जाना तू। क्या बात कर रहा तू, क्या इतना दुबला है तू? बात सही करो आप। अरे बुढ़ी से खतरनाक, पूरा बुढ़िया खतरनाक दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर। हाँ ले वो बुढ़ी की बुढ़ी नहीं होती, बुढ़ी की काम वाली, उनसे डेंजर है। सुना ना जरा नजदीक आओ, ये पूरे काम वालों की परेशानियां क्या रहते मेरे को नहीं मालूम, ना मेहनत करते ना आगे बढ़ते, खाली कुटने बातें करते मेरे बारे में। देखे तुम लगा, इनको काम दियो, खाना दियो, पीना दियो, चाय दियो, सब दियो, फिर इन्हें मेरी बुराई कर रही, इसलिए लगा काम वाले रहते। थोड़ा दिमाग आगे बढ़ाओ, थोड़ा अपने आप को इंटेलिजेंट करो, फुल पैसा कमाओ, 8-10 काम वाले लगाओ, और उसके बाद लाइफ डिफरेंट हो जाती। कैसी दिखी आज की वीडियो? मस्त दिखी, सरप्राइज दिखी नहीं? आओ तुम्हारे को और सरप्राइज दिखाती हूँ।